दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 अपने सैटेलाइट राइट्स को लेकर चर्चा में है। खबर है कि एक प्राइवेट चैनल के साथ फिल्म की डील हो गई है और ये प्राइवेट चैनल कोई और नहीं बल्कि जी नेटवर्क है। जी नेटवर्क ने इस फिल्म के तमिल, तेलुगु, हिंदी वर्जन के सैटेलाइट राइट्स खरीद लिए हैं। इसके लिए इस ग्रुप ने 110 करोड़ रुपये चुकाए हैं। 200 रिपोर्ट्स की माने तो ये किसी रीजनल फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के लिए दी गई अब तक की सबसे ज़्यादा रकम है। लाइका प्रोडक्शन के क्रिएटिव हेड राजू महालिंगम ने जी नेटवर्क के साथ अपनी पार्टनरशिप की खबर की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने इस डील की दूसरी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया। दोस्तों, 2.0 भारत की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है और साथ ही एशिया की दूसरी सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। यह फिल्म 400 करोड़ के मेगा बजट के साथ बनी है। इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार विलेन के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म 2.0 की शूटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर शंकर की माने तो फिल्म की मुख्य शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ एक गाने और कुछ पैच वर्क का काम बचा हुआ है। डायरेक्टर शंकर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी। बता दें कि लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म में भारी भरकम VFX का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तकरीबन 7 महीने का वक्त लग जाएगा। जिस गाने की शूटिंग बची रहने की बात शंकर ने कही है, बता दें उसे रजनीकांत और एमी जैक्सन पर शूट किया जाएगा। दोस्तों, ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में एक साथ रिलीज की जाएगी। मेकर्स की अब तक की तैयारी की बात करें तो वह इसे 2017 की दिवाली पर रिलीज करना चाहते हैं। मेकर्स ने सिर्फ इस फिल्म के प्रमोशन के लिए 150 करोड़ का बजट तय किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक शैतान के किरदार में है जिसका नाम है द क्रो। इस फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता AR रहमान ने दिया है। दोस्तों, ये फिल्म 2010 में आई ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म एंथिरन और हिंदी में रोबोट की अगली कड़ी है। 2.0 यकीनन 2017 की सबसे मोस्ट अवेटेड मूवी होगी। तो दोस्तों, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब क्रेजी फॉर रियलिटी।